हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और कल की डेट में यहाँ पर देखिए तीन वीडियो हमने यहाँ पर बनाई थी और आपको बताया था इन स्टॉक से रिलेटेड कल एक वीडियो बनाई थी स्टॉक आई बॉट इन क्रैश टूडे तो आज भी कुछ स्टॉक्स मैंने अपने ऐड किए और मैंने आपको कल भी कहा था बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर रणनीति रखिएगा तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो आज की डेट में भी बाय ऑन डिप्स करके कुछ इसी कंपनी में कुछ अलग कंपनी में यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है कौन सी कंपनी आइए जानते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है जस्ट आपको समझाने के लिए बताने के लिए कि क्यों चीजें खरीदी गई है वो चीज आपको पता होनी चाहिए प्ले लिस्ट यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिए और यहाँ पर अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में आप हमें पिंक कर सकते हैं वहां पर हम बात कर सकते हैं रिगार्डिंग सर्विसेज तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की सॉरी uh, uh, किस तरीके का माहौल है मार्केट में देखिए मार्केट में मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट में गिरावट है और ये गिरावट थोड़ी और कंटिन्यू रह सकती है और कब तक रह सकती है उसके बारे में देखते हैं तो अगर हम आज की डेट में देखें तो यहाँ पर इंडिया विक्स पहले देख रहे थे तो इंडिया विक्स यहाँ पर ऊपर की लेवल पर गया फिर यहाँ पर एक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया एक ऊपर का सपोर्ट था बट मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर रुकने नहीं वाला है ओके okay, यहाँ पर इंडिया विक्स शायद ट्वेंटी वन तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है थोड़ा सा नीचे जाके एक आध दिन में फिर ऊपर जाए क्योंकि ये जो गिरावट है ये थोड़ी सी और कंटिन्यू रह सकती है तो किसी तरीके के जाल साजी या फसावे में बताना कि आ, आप यहाँ पर से निकल जाओ या फिर अः यहाँ पर से ज्यादा बल्क में एक साथ खरीदने लग जाओ ऐसा मत करो बायोन डिप्स करके खरीदो एक एवरेज प्राइस आएगा और जब वो चीजें ऊपर जाएंगी तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की निफ्टी फिफ्टी

ये मार्केट आने के पूरे चांसेस है तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अभी ज्यादा रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है ज्यादा गिरा नहीं है तो यहाँ पर गिर सकता है तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहिएगा में एक ट्रेड मत करिए इसके अलावा निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप फिफ्टी में ले लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बाद में रिकवरी होती हुई दिखाई दी बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि फिफ्टी डीएमए को टच करके दिखाई या ओके तो यहाँ पर अगर हम मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मुझे नजर आता है पहला एक सौ ग्यारह का और दूसरे सपोर्ट यहा, यहाँ पर ऑलरेडी तो 600, 600, 600, बहुत गिर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता वहां पर ज्यादा गिरावट होगी और तो थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो बायो डिप्स यहाँ पर कर लीजिएगा कोई नहीं है इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूँ तो निफ्टी स्मॉल कैप भी आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप भी यहाँ पर गिरने के बाद थोड़ी सी ऊपर आती हुई दिखाई दी बट अगर हम इसके लेवल की बात करें तो ये भी लगभग 300, सौ चार सौ पॉइंट तक गिर के दिखा सकता है तो यहाँ पर 400 पॉइंट गिरने के पूरे चांसेस है बट सपोर्ट की बात करें पहला सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है नौ के आसपास और फिर उसके बाद नौ और अगर इसके बाद गिरता है तो फिर यहाँ पर एक लेवल यहाँ पर नजर आता है सीधे नौ और अगर उसके बाद भी गिरता हुआ नजर आया तो फिर तो यहाँ पर ही आके रुकेगा जो कि ये लास्ट था फिर तो अच्छा खासा बारह सौ पॉइंट की गिरावट हो सकती है जो कि अभी लग्न राय की इतनी गिरावट होगी क्योंकि दिवाली भी है और शायद यहां से थोड़ा बहुत नीचे गिर के थोड़ा बहुत गिरेगी बट ओके बिल्कुल भी बेफिक्री में मत रहिएगा और ये चीजें ऊपर की तरफ निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे गई थी इसी तरीके से नीचे गई फिर एक दो दिन ऊपर जाके ओके फिर दोबारा नीचे आके और फिर ऊपर जाके फिर नीचे आके इस तरीके से करके ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी ट्रेंड ऊपर वाला ही है बट आपको क्या करना है आपको प्रॉफिट बुक भी बुक करते रहना है अच्छे स्टॉक्स में जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करके नीचे लेवल पर जब शेयर आए तो नीचे गिरते हैं शेयर ऐसा नहीं है कि कोई भागी रहा है तो यहाँ पर नीचे गिरेगा नहीं तो इस चीज को बिल्कुल भी माइंड में मत लीजिएगा तो इस चीज की एक तरकीब है इसे यहाँ पर अपनाते रहिए ओके okay, हमें फॉलो करते रहिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मार्केट गिरने से पहले फ्राइडे से ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी थी थोड़ा सा पैसा वहाँ से निकाल लिया था क्योंकि यहाँ पर जब गिरावट अब हो रही है तो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है उन्हीं स्टॉक्स में जो हमने बेचे थे उन्हीं स्टॉक्स को हम दोबारा वापस यहाँ पर खरीद रहे हैं क्योंकि जब तीन यहाँ पर दो तीन महीने का यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा उन शेयरों में उसके बाद जब भागेंगे तो अच्छे खासे 30, 40, पचास परसेंट के रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे इसी तरीके से मार्केट काम करती है इसी तरीके से चीजें काम करती हैं हम सेक्टर रोटेशन तो नहीं पकड़ सकते ओके वो तो बड़े लोग ही करते हैं बट हम अपना माइंड का यूज करके उन्हीं स्टॉक्स में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उसी में दोबारा पोजिशन बना के ऊपर के बेच के के लेवल पर खरीद के हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और इसी तरीके से भी करते रहे ना याद रखिएगा जो हमारा टारगेट है 1000 करोड़ रुपीज का इजीली अचीव होगा कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है बस टाइम देना होना चाहिए और थोड़ी सी माइंड का यूज करना चाहिए अब बात करते हैं जल्दी जल्दी स्टॉक से रिलेटेड जो हमने यहाँ पर खरीदे तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एमटार एमटार टाइप की बात करें तो एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल पर ये शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अगर देखें एक अच्छी खासी गिरावट हो गई है और मुझे यहाँ से जो ये यह यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल रिवर्स का साइन मुझे नज़र आता है तो शायद ये कैंडल रिवर्स हो जाए और इस बार के जो इसके रिजल्ट है वो अच्छे खासे आने की उम्मीद है क्योंकि अगर हम यहाँ पर लास्ट टाइम के रिजल्ट देखें तो लास्ट टाइम के रिजल्ट कुछ खास यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए थे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एम टार की सॉरी तो एम टेक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लास्ट टाइम के रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए थे जिस वजह से अगर हम बात करें शेयर प्राइस देखिए यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था प्रॉफिट में बुकिंग थी तो अगर हम यहाँ पर देखें शेयर यहाँ से सीधे गिरता हुआ नजर आया उसके बाद अच्छे खासे चालीस पचास परसेंट के रिटर्न फिर भी दे दिए इसने और यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा बन रही है इस बार के रिजल्ट अच्छे आएंगे और यहाँ से चीजें ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है एटलीस्ट मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी नजर आ रहा है एक बार रिजल्ट आती जाती ये शेयर शायद दो को टच कर सकता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं बट थोड़ा सा रिस्क भी है क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट हुई ज्यादा और रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो गिर भी सकते हैं तो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही यहाँ पर खरीदेगा तो मैं यहाँ पर डिप्स कर रहा हूँ और यहाँ पर एक और स्टॉक से रिलेटिव बातें करेंगे जिसका नाम है लक्स इंडस्ट्री यहाँ पर इस शेयर में आज बाइंग की गई है क्यों बाइंग की गई है क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पर ही बाइंग करी थी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल इसने एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल यहाँ पर पकड़ रखा है यहाँ पर अगर बात करें पहले भी यहाँ पर ही रुका था दोबारा यहाँ पर रुका और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और लक्स इंडस्ट्री को खरीदने के पीछे सिंपल सा यहाँ पर फंडामेंटल्स तो अच्छे ही है एक रीजन है ये जो यहाँ पर आप देखेंगे मार्च में तो मार्च में यहाँ पर जो जू, जून के क्वार्टर में यहाँ पर प्रमोटर्स ने अच्छी खासी हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी थी ओके okay, एफ की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ी थी बट थोड़ी सी यहाँ पर इस क्वार्टर में थोड़ी सी कम हुई है डेज की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है तो यहाँ पर एक अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है और ये शेयर काफी टाइम से अगर हम बात करें तो चार पांच महीने हो गए ऐसे यहाँ पर एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए तो शायद यहाँ पर अब ये ऊपर निकल सकता है तो इसकी तरफ यहाँ पर ध्यान देना है इसके अलावा हम बात करेंगे कल के दिन में यहाँ पर हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जुबिलियन फूड तो मैंने आपको बताया था टारगेट पांच हजार ओके तो आपको यहाँ पर मैंने बताया भी था कि कल की डेट में यहाँ पर मैं इस शेयर को सॉरी यहाँ पर एक बार देख लेते मैंने आपको बताया भी कि कल की डेट में शेयर को मैं बाइंग करता हुआ दिखाऊंगा दिखाई दूंगा दिखाँग, क्योंकि काफी बेहतरीन स्टॉक्स है ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा गिर चुका है अच्छा खासा आपको मतलब अच्छा खासा बाइस तेईस परसेंट की यहाँ पर हो गई है और शेयर देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट पे आज की डेट में आया था छत्तीस सौ चौरासी तक ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था और मेरी सैंतीस की बाइंग थी आज मैंने सैतीस पे ये शेयर खरीदा है और यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर दोबारा मैंने ऑर्डर लगा रखा था कि नीचे आएगा तो दोबारा खरीद लेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा डेढ़ सौ का तो प्रॉफिट आज की डेट में

दीजिएगा यहाँ पर हमने आज बाइंग करी है और हमारी बाइंग तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी करी थी तो यहाँ पर बेच दिया था बीच में फिर हमने सेवन हंड्रेड पर बाइंग करी थी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है और यहाँ पर दोबारा हमने यहाँ पर बाइंग करी है बायोन डिप्स की रणनीति अब यहाँ पर अपनाई हुई है यहाँ पर एक शेयर से रिलेटेड हाईकल हाइकल से रिलेटेड बहुत दिन पहले यहाँ पर वीडियो हमने यहाँ पर बनाई थी और आपको बताया था कि बेहतरीन शेयर है ऑलरेडी यहाँ पर uh, 45 परसेंट के आसपास यहाँ पर गिर चुका है ये शेयर और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसे ही शेयरों में जब यहाँ पर गिरते हैं तो ले लेते हैं तो यहाँ पर एवरेज uh, की बात करें तो ये शेयर देखिए एक रजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से बात करें देखिए यह शेयर यहाँ पर हमने जब बताया था उसके बाद अच्छा खासा भागा भी था मार्केट गिर रही है ये शेयर भी गिर रहा है बट इतना गिरने गिर रहा है जितने दूसरे शेयर गिर रहे हैं तो क्योंकि क्यों ये ऑलरेडी ऑलरेडी गिरा चुका है गिर चुका है शेयर बहुत ज्यादा अब यहाँ से गिरना नहीं यहाँ से बस कभी भी ये ऊपर की तरफ जाएगा और जाएगा तब हमें अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे जो कि कितने परसेंट के चालीस पैंतालीस परसेंट के बनते हुए नजर आ रहे हैं आज की डेट में मैंने यहाँ पर दोबारा बाइंग करी है क्योंकि एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा एक शेयर है यहाँ पर आईटी से रिलेटेड रिजल्ट e e e uh, uh, आने से पहले यहाँ पर भागता है बहुत तेज भागता है एज वेल एज बाई बैक चल रहा है और बाई बैक चल रहा है तो बाई बैक में हमेशा मैंने देखा है कि जब भी बाई बैक आता है uh, तो उसके बाद चीजें बाईबेक के आने पर देखिए मार्केट में गिरावट है तो ये शेयर भी गिरा है बट बाईबैक जब आता है जिस प्राइस तक ये जा, चीजें जाती हुई दिखाई देती है मैंने हमेशा नोटिस किया है काफी बार देखा है तो ये चीजें दोबारा यहाँ सत्ताईस सौ रुपए तक मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पर अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी थी बाय डिप्स की क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट की बात करें एक बेहतरीन सपोर्ट पर यहाँ पर शेयर आ गया था तो रिजल्ट रिजल्ट आई के अच्छे आ रहे हैं तो इसके भी अच्छे आने तो इस शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं बट ये की लिस्ट में भी शामिल है तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके अलावा एक बहुत पुराना स्टॉक डी एफ एम फूड हमने हमेशा देखा है आ, काफी हमने बातें करी है फूड से रिलेटेड हमने यहाँ पर बहुत नीचे के लेवल पर खरीदा था फिर बेचा था फिर यहाँ पर खरीदा था फिर बेचा था तो बार बार हम ऐसे ही करते हैं और एक ही बारी में ये शेयर बीस बीस परसेंट के रिटर्न देता है आज अगर हम बात करें तो चालीस परसेंट के आसपास गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है शेयर में और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ ये शेयर नजर आ रहा है एक बार यहाँ पर बॉटम बनाए एक यहाँ और एक बार यहाँ पर यह बॉटम बना रहा है इस बार जब चीजें ऊपर निकलेगी और इसके रिजल्ट के टाइम पे तो देखिए एटलीस्ट यहाँ तक तो जाता हुआ दिखाई देगा ओके okay, और शायद इस बार ब्रेकआउट भी दे ब्रेकआउट देगा तो सीधे तो शेयर निकलता हुआ दिखाई देगा इकतीस के आर एस आई एज वेल एज चालीस परसेंट यहाँ पर शेयर डाउन हो चुका है और डी एफ एम फूड्स के प्रोडक्ट आप सब यूज कर बच्चे यूज करते ही है अच्छी खासी चीज है यहाँ तक तो जाना ही जाना है यहाँ तक जाएगा चालीस परसेंट के रिटर्न हो जाएंगे चुपचाप यहाँ पर बेच के निकल जाएंगे तो यहाँ पर इसकी तरफ ध्यान सकते दे सकते हैं डीएफएम फूड्स की तरफ और काफी टाइम अगर हम यहाँ पर देखें तो सितंबर से लेके और सितंबर कौन सा 2020 से लेके अगस्त से अभी तक मतलब एक साल से ज्यादा एक ही रेंज पर ट्रेड कर रहा है और एक ही रेंज एक साल के रेंज के प्राइस पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो इस चीज का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए इसके अलावा एक बर्जर पेंट एशियन पेंट के रिजल्ट आए इतने खास नहीं आए बट यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा होते हुए दिखाई दिए रिजल्ट काफी बेहतरीन थे एक्सपेंस कभी ज्यादा होते कभी कम होते इस बार इनकी कॉस्ट ज्यादा है यहाँ पर मेटेरियल की इस वजह से यहाँ पर अगर बात करें एशियन पेंट के रिजल्ट बेकार आते हुए दिखाई दिए बट यहाँ पर अगर बात करें इसका इम्पैक्ट बर्जर पेंट, पेंट पे पड़ा और बर्जर पेंट के अब रिजल्ट आएंगे तो बर्जर पेंट गिरेगा नहीं ऑलरेडी यहाँ पर 200 हंड्रेड डीएमए के मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छी चीज है टू हंड्रेड डी के नीचे मिल रहा है खरीद लेनी चाहिए वेट करना चाहिए और जब ये चीजें भागती हुई निकली तो यहाँ पर इस बार मेरे को ये लग रहा है कि ये शेयर बारह सौ तेरह सौ रुपये इजिली भागेगा सोलह के रिटर्न यहाँ मिल रहे हैं इसके अलावा ये जब यहाँ पर बारह सौ रुपए तक की रेंज दिखाएगा तो यहाँ पर और ये मल्टी स्टॉक्स है ये शेयर ऐसा शेयर है जिसने एक करोड़पति बनाया है और इसने एशियन पेंट से ज्यादा रिटर्न दी है क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है ये शेयर ज्यादा मेरे को बेहतरीन लगता है एशियन पेंट के हिसाब से तो यहाँ पर इस शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया है दोबारा बायोडिप किया है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक लक्ष्मी ऑर्गेनिक में दो दिन से पर लग रहा है। में ही मैंने पर इस बार रिजल्ट थोड़े बेकार आएंगे और ये कमेंट्री ऑलरेडी मैनेजमेंट ने दे दी है जैसे टाटा मोटर्स ने दे दी थी ऐसी लक्ष्मी ऑर्गेनिक और लक्ष्मी ऑर्गेनिक अब यहाँ पर से मुझे नहीं लगता थोड़ा सा यहाँ पर देखिए सपोर्ट सॉरी यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है थोड़ी बहुत अगर गिरावट हुई तो और खरीदेंगे और ये शेयर अब क्या जब भागेगा तो अच्छा खासा अपर सर्किट जाते जाते अच्छा खासा यहाँ पर गेंद देता हुआ नजर आएगा तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा और ज्यादा यहाँ ये शेयर नहीं गिरने वाला थोड़ा बहुत गिरा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी इसके अलावा एक शेयर आपको दोबारा बता देता हूँ बहुत पहले भी यहाँ पर आपको बताया था कि इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा ये शेयर काफी बेहतरीन है लॉरस लैब और बहुत सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है आर एस आई ए वगैरह सब है। पहले भी यहाँ बताया था फिर भागा था फिर यही बता रहा हूँ फिर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा सात का पहला टारगेट है जो की यहाँ पर लगभग सवा सौ रुपए बनते हुए नजर आते हैं बीस परसेंट से ज्यादा गिर चुका है बेहतरीन रिजल्ट हमेशा देता आ रहा है इस बार भी रिजल्ट अच्छे ही आने हैं और जब ये अच्छे भी नहीं आए फिर भी ये शेयर बेहतरीन शेयर है काफी बड़ा शेयर है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा लॉरेंस लैब की तरफ इसके अलावा हम बात करते हैं एक और शेयर दीपक नेट्रेल्ट इसे आप नहीं भूल सकते इसे भूलना तो मतलब याद रखिएगा क्योंकि आप मार्केट में गलत जगह पर यहाँ पर फिर पैसा लगा रहे हैं फिफ्टी डी को टच कर रहा है और जब जब इसने फिफ्टी डी को टच किया है याद रखिए इस शेयर ने एक अच्छी खासी रैली बनाई है और अच्छे खासे वॉल्यूम इसमें हमेशा ही रहते हैं और ये यहाँ पर आर की बात करें एक बेहतरीन आर एस आई पर यहाँ इस वाली आर एस आई पर टच करता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर अब क्या जब भागेगा तो तीन हजार का लेवल जो है इसे तो टर्ड निकालेगी और भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए और इसके बाद last but not least again यहाँ पर बाइंग की गई है आरती सर्फेक्ट में आरती सर्फेक्ट एक बेहतरीन लेवल पर चल रहा है, है दोबारा बार -बार तो अच्छा हाँ बता रहा हूँ यहाँ पर शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेहतरीन शेयर है क्यों और कह रहा हूँ क्योंकि यहां पर अगर बात करें गैलेक्सी सर्फेक्ट की तो आज की डेट में आई थिंक दो परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया है जब ये शेयर भाग रहा है तो ऑबियस बात है पीछे नहीं रहने वाला आरती भाग तो आरती की तरफ पर ध्यान देना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है हमें जितना हो सके सपोर्ट करना है और हमारी पेड सर्विस है, तो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर ब्लेस